हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स 8th क्लास एलिमेंट्स बुक है, एक्सरसाइज है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, हमें इनको ऐड करना है और इसके अंदर हमारे पास टोटल पार्ट्स है 6 और ये आसान है बिल्कुल। डेनोमिनेटर हमें बराबर करना होगा क्योंकि इससे पहले जो सम्स आपको मिले थे क्वेश्चन नंबर 1 में, सबके डेनोमिनेटर में सेम चीज़ें थी इसमें, लेकिन अब हमारे पास सेम नहीं है, हमें सेम बनाना पड़ेगा। कैसे होगा ये, चलिए देखते हैं। लेट अस सी, लेट अस डू। हमें ऐड करना है 1/4 को एंड -5/8 को। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो पहले तो ब्रैकेट सोल्व कर देते हैं। 1/4 -5/8 ±। अब यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो क्या करेंगे, दोनों में 8 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब 8 ही इसका एलसीएम होगा। इसको मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 से नीचे इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे 4 × 2 = 8 होता है, और ऊपर इसलिए किया है क्योंकि नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। 2/8 -5/8। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का टाइप बन गया डेनोमिनेटर बराबर होने की वजह से, तो इस क्वेश्चन में यही एक बदलाव है, अलग चीज़ है। 2 - 5 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी, 5 - 2 = 3 आया, निशान बड़ी वैल्यू का माइनस का, -3/8 आंसर हुआ। ओके, अब सेकंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमारे पास है -5/9 एंड की जगह प्लस आ गया 2/3। अब हमें क्या करना होगा, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे करना किया इसलिए ताकि ये डेनोमिनेटर 9 बन जाए, नीचे किया तो ऊपर भी किया, तो -5/9 +6/9, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, -5 + 6/9 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, निशान बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1/9 आपका आंसर होगा। थर्ड पार्ट, 1/12 +-2/15। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन निकल रहा है तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 60 है वैसे तो। तो 1/12 ±-2/15, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, 2 से कट रहा है ये, 2 × 6 = 12, 15 × 15 2 से फिर कट रहा है, 2 × 3 = 6, 15 × 15 फिर 3 से कट रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 5 से कट रहा है, तो क्या आया, 2 × 2 = 4, 3 × 12 = 60, मल्टीप्लाई किया इन सबको, 60 हमारा एलसीएम बन रहा है। अब ये सोचिए कि नीचे 60 कैसे बनेगा, 2 × 2 = 4, 3 × 12, इस 12 को छोड़ दिया, बाकी बचा 5, यानी कि अगर हम इसको 5 की कमी पूरी कर दें तो ये 60 बन गया। 15, 5 × 3 = 15, इसको छोड़ दिया, बाकी बचे 2 × 4, अगर हम 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 60 पूरा हो जाएगा, हमें मिलता है 5/60 - 8/60। डेनोमिनेटर बराबर हो गया, अब आसानी से हम इसको कर सकते हैं, 5 - 8/60 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, 8 - 5 आया 3, 3/60, निशान बड़ी वैल्यू का, 8 बड़ी वैल्यू है 5 से, तो निशान 8 का आया, 3 से ये ऊपर नीचे कट रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 20 = 4 आंसर आया, -1/20 आंसर। क्लियर हुआ आपको, गुड। अब करेंगे हम सेकंड का फोर्थ पार्ट, दिस वन।
माइनस 5/16 प्लस 11/24। दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या आएगा एलसीएम देखते हैं। 16/24, 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा 16, 2 12 जार, फिर 2 से कट रहा है, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तब तक करते रहेंगे जब तक कि एक भी ऐसा कोई नंबर ना आ जाए, मतलब कि कोई ऐसा नंबर बचना नहीं चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो। अगर बचता है तो 2 से करते चले जाएंगे, नहीं बचा तो फिर हम रुक जाएंगे, जैसे कि अभी रुकने वाले हैं। 2 1 जा 2 3, अब कोई भी नंबर नहीं डिविजिबल 2 से, तो अब 3 से करेंगे जो कि 1 1 आ गया, 1 1 आ करके रुक जाएंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 48 इसका एलसीएम है। 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, इसको छोड़ दिया, बाकी बचा 3। तो अगर हम इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 3 से किया ताकि 48 बन जाए एलसीएम, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे इसी तरह। 24, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, इनको छोड़ के ये, तो 24 की टेबल में ये 2 जा पर आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे। माइनस 15/48 प्लस 22/48। अब इसको डायरेक्टली करने वाले हैं, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, निशान बड़ी वैल्यू का प्लस का। 22 माइनस में 15 आया 7, 7/48 इसका आंसर हो गया। इसको अब ऐसे नहीं लिख रहे हम, आपको समझ में आ गया होगा, 2 के 4th का आंसर है 7/48। अब है 5th पार्ट, 8/9 प्लस माइनस 11/6, 9 और 6 का एलसीएम 18 होता है। निकाल लीजिएगा ऐसे ही, यहाँ करता हूँ, जगह नहीं बची। 9 एंड 6, 2 से डिवाइड किया, 9 का 9 है, 2 3 जा 6, 3 से किया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 से किया, 3 1 1, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 18 इसका एलसीएम आया। तो इसको 18 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे। 8 2 जा 16/18 माइनस प्लस माइनस माइनस, 11 3 जा 33 बाय में 18, 33 में से 16 को माइनस करें तो 17 आता है। 13 माइनस 6 7, 2 माइनस 1 1, 1। तो आया हमें बड़ी वैल्यू का निशान माइनस का है, तो माइनस निशान लगाना है, 17/18 ये हुआ इसका आंसर। क्लियर है। अब 6th पार्ट, 6th पार्ट के अंदर हमें अवेलेबल है -3/7 एंड -4/5 प्लस -4/5। दोनों ही नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 के अलावा, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं ऐसे नंबर्स, तो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। तो 7 5 जा 35 एलसीएम हुआ। हम इसको 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, इसको 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे। तो हमें मिलता है माइनस का 15 इससे बाय 35 प्लस माइनस माइनस 7 4 जा 28 बाय 35। दोनों ही माइनस के हैं तो होगा एडिशन, दोनों माइनस के है तो होगा एडिशन, निशान आएगा माइनस का। 8 5 13, 1 1 2 3 1 4, 43/35 ये हमें नंबर मिलता है। 2nd के 6th का पार्ट -43/35, 2nd का 6th पार्ट है ये आंसर आ गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एलसीएम वाले मेथड से कैसे इसको सॉल्व करें। तो ये थे कुछ सम्स
अब आपको चाहिए कि आप ऐसे ही सम्स खुद बनाइए, या तो या टीचर्स ने दिए और कोई असाइनमेंट देते हैं टीचर्स, ऑब्वियसली आपको वे खुद करने हैं, समझिए इस बात को, खुद करेंगे तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। इनको पक्का कर लीजिए और फिर इनसे कंपेयर करके वो वाले सम्स ज़रूर कीजिएगा। और मैंने जो ये जो चैप्टर्स के सब के, क्योंकि मैं सिक्स क्लास के भी बना रहा हूँ, सेवन्थ के भी बनाए हैं, एट्थ के भी, नाइन्थ के भी, हिंदी इंग्लिश साइंस सबके बनाता रहता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने सबके प्लेलिस्ट बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के, प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जा कर के और इनसे कंसल्टेड आप प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं और बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। और सारे के सारे वीडियोज सीरीज में आपको वहाँ अवेलेबल होंगे, जो सम आपको समझना हो वो आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन, दैट इज़ थर्ड क्वेश्चन। बाय।